आज हम लोग विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी मे बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस देन वन पार्ट ऑफ फ्लूइड ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ अनदर पार्ट ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड किसे बोलते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड के अंदर इंक्लूड करते हैं जो फ्लो कर सकता है। तो फ्लो कौन कर सकता है? या तो लिक्विड कर सकता है या फिर गैस कर सकता है। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होगी फ्लूइड और लिक्विड के लिए। तो ये जो लिक्विड या गैसेस होंगे, अगर वो फ्लो करें और आपस में वो क्या करते हैं, फ्लो के दौरान एक रेसिस्टेंस देते हैं, जिसके कारण जो लेयर्स होते हैं गैस के या लिक्विड के, उनकी वेलोसिटी जो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड होते रहती है और लास्टली वो जीरो पे पहुंच जाती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो लेयर है, ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन देगा नीचे वाले लेयर को, एक फ्रिक्शन फोर्स जो है अप्लाइड करेगा, एक रेसिस्टेंस देगा, जिसकी वजह से इस लेयर की वेलोसिटी जो है ये अपर लेयर से स्लो हो जाएगी। वैसे ही ये जो लेयर है, सेकेंड लेयर जो है, ये नीचे वाले, अपने से नीचे वाले लेयर पे क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड करेगा, इसको फ्रिक्शन देगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो होगी वी टू जो होगा वो वी थ्री से कम हो जाएगा। वैसे ही ये जो लेयर है, ये लेयर जो है जिसकी वेलोसिटी वी वन है, ये वी टू से कम होगी, क्योंकि ये वी टू जो है इस वी वन पे फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है। वैसे ही जाते जाते नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो ये वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। हमेशा हमें क्या करना होगा, इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स इस पे अप्लाइड करना होगा, ताकि ये फ्लो मेंटेन रहे। मान लेयर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इन दोनों लेयर के बीच में ये वेलोसिटी डिफरेंस जो है वो डी वी का है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। जो अब ये जो फ्लो होता है वो दो तरह का होता है। अगर फ्लो जो हो लेयर्स का वो पैरेलल हो तो इसे हम लोग लेमिनर फ्लो कहते हैं, और अगर पैरेलल नहीं हो तो इसे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो करते हैं। व्हेन फ्लो इज नॉट पैरेलल प्लेन्स इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब हम मान लीजिए कि ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में एक स्टेडी वेलोसिटी डिफरेंस है जो कि डी वी के बराबर है। इन लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो डी वी है, इनके दो लेयर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, और इनके बीच इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो दो इन लेयर्स के बीच में फोर्स लगेगा, ताकि एक वेलोसिटी हमेशा उसके अंदर रहे। तो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एंड वेलोसिटी डिफरेंस जो होता है उन लेयर्स के बीच में अपॉन जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा। तो इस डी वी बाई डी एक्स को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना होगा तो हमें एक कांस्टेंट को वहाँ पर लिखना होगा, तो हम एफ इजिकल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पे ये ईटा जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसे हम लोग कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अब मान लीजिए हमें ईटा को डिफाइन करना है, तो हम मान लेते हैं कि जो ए है वो 1 cm², सबको हम यूनिट करना चाहते हैं, एक एक यूनिट लेना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 cm² है, और डिस्टेंस दो लेयर के बीच 1 cm है, और डिफरेंस इन वेलोसिटी है जो जितने भी लेयर हैं उनके बीच में 1 cm/s है। तो ईटा का ए फिजिकल टू क्या होता है, ए फिजिकल टू होता है ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। अब हम यह क्या कर सकते हैं कि हर एक का वैल्यू जो है हमने 1 पुट कर दिया, ए का 1, डी वी बाई भी 1 है, डी एक्स भी 1 है, तो वो भी 1 हो जाएगा। तो ए फिजिकल टू क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा। और दूसरा चीज यहां से और आता है कि कितना ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें, कितना हमें ये वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए। अगर हम ए फिजिकल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स को 1 करते हैं, ताकि हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है 1 मिले, तो इसको 1 रख लेते हैं, तो हमें ईटा इज इक्वल टू क्या होगा,
ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए हो जाएगा। यानी कि अगर हमें वेलोसिटी जो डिफरेंस है या वेलोसिटी ग्रेडियंट हम कहें यूनिट रखना होगा, कब होगा ये, अगर हम यूनिट फोर्स लगाएं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो तो। अगर हम चूंकि ये फिजिकल टू ईटा आ गया तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सप्रेस्ड इन डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर रिक्वायर टू मेंटेन वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स इन 1 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि विस्कोसिटी क्या है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है जिसको हम लोग डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और जो जरूरी है मेंटेन करने के लिए अगर हम वेलोसिटी डिफरेंट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मेंटेन करें दो लेयर के बीच में जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। यानी कि एफ बाई ए क्या है, एफ बाई ए है रिक्वायर टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी डिफरेंट इन एडजेसेंट लाइन। ईटा क्या है, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए जो हम लोग अभी तुरंत बात कर रहे थे, अगर वो वन आता है तो हम क्या कर सकते हैं यूनिट वेलोसिटी डिफरेंट एडजेसेंट लेयर के बीच में मेंटेन कर सकते हैं। अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, सारे का यूनिट अगर हम लोग रख दें तो ईटा इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, ईटा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या था, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स था। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ईटा निकाल सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ए इंटू डी एक्स बाई डी वी, इसी का हम यूज करेंगे। अब इन सभी के अगर यूनिट्स को हम डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ईटा का यूनिट मिल जाएगा। ऐसा ही हम करेंगे सीजीएस सिस्टम में, अगर रखेंगे तो फोर्स को हम लोग डाइन में एक्सप्रेस करते हैं, एरिया को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे, डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में करेंगे और वेलोसिटी को क्या करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेकेंड है वो ऊपर जाएगा, ये पर माइनस एस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस एस हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पे जो यहाँ पर प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसे हम लोग 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइस वर्ड यूज करते हैं। अगर एसआई यूनिट हमें बताना हो तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसको हम लोग पास्कल सेकेंड कहते हैं, ये प्लस होगा यहाँ पर भी, ये प्लस होगा पास्कल सेकेंड। गैस में क्या होता है, गैसेस के केस में हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है माइक्रोपॉइज। इसका मतलब होता है 1 माइक्रोपॉइज इज इक्वल टू 10^-6 पॉइज। क्या होता है 10^-6 पॉइज। और लिक्विड के केस में हम लोग सेंटीपॉइज को यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि मीन फ्री पाथ जो लेमडा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2π ρ²n। रो क्या है, कोलिजन डायमीटर, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सारे तो लेमडा क्या है मीन फ्री पाथ। तो हम लोग जो है मीन फ्री पाथ और लेमडा के बीच में एक रिलेशन होता है, लेमडा क्या है मीन फ्री पाथ है, तो मीन फ्री पाथ और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी के बीच में हम लोग जानते हैं कि ये रिलेशन है, ईटा इज इक्वल टू 1/3 dV λ, जहाँ पे डी जो है वो डेंसिटी है गैस का, लेमडा जो है उस गैस का मीन फ्री पाथ है, और ये वी जो है एवरेज वेलोसिटी है गैस का। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यूनिट हो गया है। डेंसिटी क्या होता है किसी चीज का, डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि यूनिट वॉल्यूम हो गया 1 cc = 1 cm³ होता है,
और मास निकालना होगा तो एक हमारे गैस का पूरा मास निकालना होगा तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास इनटू जितना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से उतने से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है, यहाँ पे मास निकाल दिया, एक से जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वी जो है एवरेज वेलोसिटी है, और यहाँ पे हमने लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया। ये क्या है, लेमडा का वैल्यू। तो वहाँ से हम देखते हैं क्या हमें मिलता है, यहाँ से ये एन और ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें 1/3 एम वी अपॉन रूट 2 पाई रो स्क्वायर मिलेगा। और ये कितने, इसमें हम देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को देख के हमें पता चल रहा है कि कहीं भी प्रेशर पी का यूज नहीं हुआ, तो विस्कोसिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी प्रेशर किसी भी टर्म में हम लोगों ने देखा, कहीं पर भी प्रेशर का यूज नहीं हुआ, तो विस्कोसिटी जो है उस पर किसी तरह का प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं उससे विस्कोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जानते हैं, जो अभी हमने तुरंत अभी निकाला उसी से, कि ईटा इज इक्वल टू 1/3 एम वी बाई 2 पाई रो स्क्वायर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम लोग जानते हैं। तो यानी ये जो ईटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये ईटा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वेलोसिटी के, ठीक है। और वेलोसिटी जो है, जो ये एवरेज वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर टी के, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो इस हिसाब से इस दोनों इक्वेशन से इसे 1 मान लें और इसे 2 अगर हम मान लें तो क्या होगा, इस इक्वेशन को 1 और इसको 2 मान लें तो इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या मिलेगा, ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं गैस के कंडीशन के केसेस में कि ऐसा एक्चुअल में आता नहीं है। ये जो ईटा जो है वो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि ये जो बट इन एक्चुअल ईटा इंक्रीज मोर देन एबव इक्वेशन, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ईटा इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज करता है। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ईटा भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग नहीं करता है, इससे ज़्यादा करता है। इसीलिए इसके बारे में, इस वेरिएशन के बारे में सुथरलैंड ने 1893 में एक इक्वेशन दिया है जो कि एक्चुअल में ईटा इसी तरह से बिहेव करता है, या ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट रूट टी बाई 1 प्लस सी बाई टी। यहाँ टी क्या है, वेलोसिटी है, ईटा जो है हर एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है, और सी भी जो होता है हर एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है, और सी को हम लोग सुथरलैंड कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि ये जो रिलेशन है वो सुथरलैंड ने ही दिया था। इस तरह से हम लोग आज विस्कोसिटी पे प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट डाला, और हम लोगों ने जाना कि अगर प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उसका विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेशर का इफेक्ट विस्कोसिटी पे 0 है इन केस ऑफ गैस, एंड अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ईटा का वैल्यू भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग